स्टूडेंट्स हम 1 to 50 है ना, यानी कि 1 से लेके 50 तक हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आपको काउंटिंग करवा दी है। आज हम आगे करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको इंग्लिश में करवाऊंगी, 51 to 60 तक ही करवाऊंगी, उसके बाद हिंदी में करवाऊंगी, ठीक है। ये क्या लिखा है, 51 52 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 60 60, ठीक है। एक बार फिर से करवाती हूँ इंग्लिश में, 51 51 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 59 60 60, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है, इसको 16 नहीं बोलना आपने, क्योंकि 16 तो 1 6 16 होते हैं ना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आपका 1 6 होता है उसको बोलते हैं 16, इसकी साउंड ऐसे जाती है, ठीक है। और जब आपका 60 आते हैं तो हम इसको बोलते हैं 60 60, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, उसको 16 प्रनाउंस करते हैं और इसको 60, ओके। अब हम इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, ये 5 लिखे हैं और ये 1 लिखा है, तो 5 1 51, ठीक है। 5 2 52, 5 3 53, 5 4 54, 5 5 55, 5 6 56, 5 7 57, 5 8 58, 5 9 59, क्या बोलते हैं इसको, 59, ठीक है। जैसे 4 9 को मैंने 49 करवाया था ना आपको याद, तो ये है 5 9 59, 6 0 60, ठीक है। एक बार फिर से हिंदी में कर लेते हैं, 51 52 54 55 56 57 58 59 60, और ये क्या है, 60, ठीक है। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में काउंटिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो आपने इसको भी करना है, सिर्फ आपने एक लाइन याद करनी है, क्योंकि 1 to 50 तक तो मैंने बहुत पहले है ना, बहुत ज़्यादा आपको मतलब कि बहुत पहले याद करवा दिया है, बार बार ऑनलाइन क्लास में भी करवाया है और कहा भी है कि आप वीडियोज़ में भी बोलें, ठीक है। तो आप जब बोलेंगे ना तो फिर आप इसके पहचान भी करना कि 51 कैसे पढ़ता है, 52 कैसे पढ़ता है, ओके, ठीक है। और वीडियो बना के भेजना, ठीक है। Thank you. Have a nice day.